Assalamu alaikum, my name is Bond, James Bond, aka Hasan Chaudhary. You're watching something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. Waalaikumsalam, Hasan. Kya baat hai? Look nikali maine. Kya look? Ab se aap kehti main taiyar hoke nahi aata Hot Bites ke liye. Aapne kaha lo phir main taiyar hoon. Ab se main suit pehen ke aaya karunga. Maine aise shuru kiya hai. Ab main aise aise tie ki taraf chala jaunga. Nahi nahi tie. टाई लगा के नहीं टाई नहीं शर्ट लगा नहीं, ऐसे ही बटन खोल के कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के ओ होना है क्या चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के जी क्या हाल है खैरियत है ये दिस इज योर न्यू लाइक हम ये न्यू एवेटार है मेरा ये जी ये हसन चौधरी का एक नया फेज शुरू हो चुका है जिंदगी का हॉट बाइट्स ऐसे हुआ करेंगे हॉट बाइट्स हॉट रिव्यू भी ऐसे क्यों हॉट रिव्यू भी ऐसे हुआ हम उसमें चले गए हम डरते हैं किसी से नहीं हम उस जोन में चले गए हम आपने क्यों नहीं आप यू व्हाई आरंट यू ड्रेस्ड फॉर दिस ओकेजन दिस ग्रैंड ओकेजन वेयर वी आर डूइंग हॉट बाइट्स राइट राइट शुड टेक आउट माय जैकेट नाउ आई थिंक यू शुड मे बी आज कोई मौसम बताए आपको क्या हाल है आपका आपने पूछा नहीं मैं यूं क्यों ड्रेस्ड हूं आप यूं क्यों ड्रेस्ड हैं हसन ये क्या बात हुई ये तो आपने एक घंटे बाद पूछी है क्योंकि मुझे पता है आप यूं क्यों ड्रेस्ड हैं आप अगर सोच रहे होंगे कि यार क्यों हसन क्या हुआ हसन क्या हुआ हसन को हसन अच्छे तो हसन अपने टॉक टॉक शो भी नहीं लग रहे होते नहीं लाहौर में इंशाल्लाह मैं अच्छा लगूंगा जो मेरा लाहौर उसमें भी आते हैं हाँ, यार असल में आमना मेरे ख्याल में आपकी थोड़ी मदद कर ही दूं वैसे अगले क्वार्टर में करें अब मैं आपकी लाहौर वाली लुक देखूंगी अगर मुझे ना पसंद आई ना तो थर्ड क्वार्टर में मैं आपकी थोड़ी सी आपने क्योंकि मुझसे नहीं मांगी मदद लेकिन मैं आपको फिर भी कर दूंगी डन डन आज मैं इस तरह के कपड़े बता दूं वो कि मदद नहीं मांगी ऐसा कोई ना सोचे कि आमना ने मदद की नहीं मांगी भी नहीं तो मैं आई एम ऑफरिंग अनसॉलिसिटेड एडवाइस मैं तो आपकी मदद हमेशा मुझे चाहिए होती है गोज विदाउट सेइंग आप हैं आप नजर करम नहीं करती इस तरह डिफरेंट टाइप है आप दूसरी तरफ आपके दूसरी टाइप की इंसान है यार ख्वातीनों हजरात आज मैंने जाना था नस्फ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हम पहले भी उसके ऊपर बात कर चुके हैं जो यंग बच्चे बच्चियां हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक एक क्या कहते हैं उसको कंपटीशन के थ्रू जहाँ पे वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स शेयर करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज हैं और फिर वो शॉर्ट फिल्म्स का जो के जो विनर होते हैं उन विनर्स को भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में जी वो बच्चे फाइनली वापस आ गए really? हाँ. nice. तो वो एक जो थी सोच के यार कि ये बच्चे इनको ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड है इनका सब फ्री है जब आज एक जूनियर आर्टिस्ट रहते थे और मेरी उनकी 1000 रुपए की शर्ट किसी चीज पे लगी थी जो मैं भूल गई ओह यार मुझे याद आ गया किस चीज पे लगी फितूर जब आ रहा था फितूर जब आ रहा था जूनियर आर्टिस्ट थे ना फितूर जब आ रहा था और शर्ट लगी थी कि पीएम ने स्पीच दी थी और मैंने कहा था पहले एक मिनट में क्रिकेट एनालॉजी आएगी तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं आज नहीं आएगी मैंने कहा 1000 रुपए की शेयर कहते हाँ और लगी और वो आ गई और फिर वो फोटो भी खींची थी मुझे याद है 1000 रुपए नोट वाली जी जी बिल्कुल अगर वो मिल गई फोटो तो यहाँ पे लगा दीजिए इंसर्ट हम कर देंगे तो एनीवे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था है तो उसके जो बच्चे वो चले गए थे गोल्ड को सामना दे फाइनली बैक तो एक था ना सोच के यार के जा रहे हैं इनको स्पॉन्सर्ड है इसलिए बहुत सी चीजें शुरू होती हैं इनिशिएट होती हैं बट नोबडी फॉलोस थ्रू हाँ सो दिस इज ग्रेट हाँ तो अब वो देखना ये है कि वो सीख के जो आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी उसकी क्या एग्जीक्यूशन होगी ठीक है जो भी बच्चा बच्ची बाहर से पढ़ के फिल्म मेकिंग स्पेशली कंटेंट क्रिएशन आएगा और हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगा उम्मीद तो यही है कि हमारे इवेंचुअली इंडस्ट्री का फायदा होगा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऐसा ही है तो उस इवेंट पे आज मैं अभी जा रहा हूँ फॉरन रिकॉर्डिंग के इनसे पूछें क्यों नहीं जा रही है खुद ही बताएंगे मुझे पहले कहा गया था मंडे को इवेंट है तो मंडे को मैंने जाना था शादी पे शहबाज शाजी की शादी पे तो मैंने एक्सक्यूज कर लिया बिकॉज़ आई हैड रिकॉर्ड टू रिकॉर्डिंग्स देन द वेडिंग सो मैंने कहा बीच में मैं नस्फ इवेंट तो नहीं कर सकती वो निकला ट्यूसडे को फिर आप हम भी भर चुके थे फिर मैंने कहा हम दोनों में से एक बंदा जाए एफिशिएंसी तो इसी में है अच्छा हां दैट्स द रीजन वरना मुझे पता है हुमायूं भी जा रहे हैं माहिरा भी जा रही हैं लॉट ऑफ स्टार्स गोइंग टू बी देयर होपफुली आई थिंक यू शुड कम यू थिंक आई शुड कम आई थिंक यू शुड कम विद मी
How long will it take you to get ready? Very long. No, not really. It'll take me so long. 15-20 minutes. I am already looking forward to the nap I'm going to take after this recording. चलो ठीक है. बहरहाल I'm sure हमारी कोशिश है कि जब हम आज जाएं रेड कार्पेट पे जो सेलिब्रिटी, because नस्त को थ्रू आउट बहुत सेलिब्रिटीज ने इंडोर्स किए, हुमायूं, मायरा, वहाज, बिलाल अब्बास, सज्जल, ये सब लोग इससे एसोसिएटेड रहे. मेरे ख्याल में सज्जल वाज आल्सो एट वन पॉइंट नस्त के साथ. Maya was associated. Yeah. A lot of our actors. Shan was associated. Shan was associated. तो अच्छी बात है. इस तरह के initiatives होने चाहिए और यही हमारा भी, मेरा और आमना दोनों की सोच यही है. जिस दिन से नस्फ का ये चल रहा है और अभी second batch भी हुआ था December में जो मैं गया था इस्लामाबाद, तो हम चाहते हैं कि हमारा, हम as a platform हम भी कुछ वो करें, contribute करें, give back करें by highlighting such initiatives. क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं तो सोच रही हूँ अगले साल से हॉट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहिए. होना चाहिए. यंग टैलेंट को कैसे खोजा जाए इस मुल्क? इतना यंगर तो है ही. वो हादिया हाशमी है ना, दैट लिटिल गर्ल जो नेस्कैफे बेसमेंट से अल्लाह हू से शी बिकेम पॉपुलर. शी वाज देयर इन लाहौर, शी डिड ऑल दिस टॉक टॉक शो की जो रिकॉर्डिंग्स, उसमें शी यूज्ड टू सिंग. इट्स सच अ फिनोमिनल टैलेंट यार. शी इज ओनली 12 13 इयर्स ओल्ड. शी वाज एट पीसा, रिमेंबर लास्ट पिक्चर्स? हां, आई थिंक शी वाज, एंड शी सेड, शी सैंग दैट, आई थिंक पीएसएल एंथम आल्सो समथिंग. पीएसएल एंथम. शी वन एन एलएसए. शी वन एन एलएसए. तो इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में यार, बड़ा जरूरी है कि हम उसको खोजें. एक टैलेंट जी मेरे सामने भी बैठा है जो अभी वापस आया है लाहौर से, और अभी मैंने इनका प्रोमो देखा है टॉक टॉक शो का जो आने वाला है, और आई एम नॉट सरप्राइज किया, इनका गला बैठा हुआ है, बट फैंटास्टिक एनर्जी है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. डिड यू लाइक द कॉन्सेप्ट? लव्ड इट, लव्ड इट. प्रोमो के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा ब्रेक के बाद. प्रोमो पे एक बात करेंगे. आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, इंशाल्लाह आ चुका होगा जो हमारा टॉक टॉक शो का प्रोमो है. एक्सप्रेस पे दो जो सीरीज है, एक की हमने बात नहीं की थी अभी तक, गुना जी, जिसके टीजर्स आए जी. आप बड़ा इम्प्रेस हुई, आपने बहुत जबरदस्त, आपने ट्वीट किया जी. तो ये जो सीरीज है ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. क्या ये वाकई में सीरीज है या कुछ और है, इसके ऊपर भी बात करेंगे. ये तो आपको पता होगा जी. वेरी गुड, मुझे पता है. वेल डन. एक और सीरीज है गुरु जी, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन उसका ट्रेलर अब रिलीज हुआ है, उसके ट्रेलर के ऊपर हम बात करेंगे. गुरु एक सीरीज है या कुछ और है, इसके ऊपर भी बात करेंगे. ये हम कर चुके हैं पहले बात. नहीं, गुरु 28 एपिसोड सीरीज नहीं, हमने नहीं की थी. कर लिए, मुझे आज पता लगा. हमें कैसे पता कर चुके मैं, आप क्या ख्याल है, एक्सप्रेस टीवी की सोर्स आप हैं? नहीं, लेकिन ये हमने बात तो नहीं, क्या आपने बात, लेकिन ये हमने बात तो नहीं की. आप क्या समझते क्या है, लेकिन आपने पहले तो नहीं मुझे बताया. नहीं बताया, मुझे तो आज पता चला. सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है. पिछला हमने जो हॉट बाइट्स किए कहां पे आपने बताया? ओ यार, पूरा मेरे पास लिखा हुआ है, सब हमने डिस्कस किया है. मैंने यानी अगर आपने वो, ये बोली बात है जो आपने दिल में सोची और आपने बताई नहीं. जी नहीं, मैंने बोली भी थी. नहीं, मेरे ख्याल में आपने सोची या मैंने सुना. ये वो बात है जो मैंने कही और आपने सुनी नहीं. मैंने सुनी नहीं. ओके ओके, आप कुछ और सुन रहे थे और बैठे हुए. आप ही को सुन रहा था. इसके ऊपर बात करेंगे. और एक हुआ फटा जी टेक्सपो पे. टेक्सपो क्या है जी? आप गई वहाँ पे, आप हमें पूरे उसकी डिटेल देंगी. टेक्सपो पे जो फड्डा हुआ वो क्या फड्डा हुआ, उसके बारे में आपकी सारी राय जानना चाहिए. क्योंकि फड्डों से आपका गहरा ताल्लुक है. फड्डों से नहीं, लेकिन आप फैशन से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है और ये फैशन का फड्डा मैं है. तो फैशन, जहाँ तक टेक्सपो की बात है, मैं कहना चाहूंगी की टेक्सपो का जो रिव्यू है ना, आइसोलेटेड रिव्यू, वो आपको देखने को मिलेगा कल आही पे. मगर फड्डे की बात हम आज करेंगे. रिव्यू का क्या मतलब है? कलेक्शन रिव्यू. ठीक है जी. ठीक Tea. Unless you'd like a collection review as well. Why would I? No, that's fine, Unahi. That's okay. That's okay. But Texpo पे हुआ क्या? हसनैन लहरी और निमरा जेकब के बीच में जो एक वीडियो वायरल हुई, फिर हमारे भाई राहिर लाओ ऑफ डीवा, उन्होंने एक पोस्ट भी लगाई जिसके बारे में हमने कहा था कि हम बात करेंगे कि ये what happened and why, what's going on. So, ये टॉपिक्स हैं. अनलेस कुछ और आप मिस कर रही हैं, कुछ और आपको याद आ रहा है? शादी की शादी पे शादी पे आमना पाई गई जिसमें हमने उनकी तस्वीर देखी. महरा खान, शेरियार मुनव्वर, एमन खान, मुनीब भट्ट और सारा यूसुफ. कुबरा भी थी लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी. मैंने हानिया को भी पाया. हानिया भी थी, मेरी मुलाकात हुई हानिया से. फोटो नहीं लगा? आई वाज लीविंग एट द टाइम हानिया वाज देयर. अच्छा, तो हानिया के साथ आपकी तस्वीर. और फैशन के बहुत लोग थे. फैशन के बहुत जी. तो ठीक है, शहबाज शाजी कौन है और उनकी शादी किससे हुई? हुई? किससे हुई? क्यों हुई? और उनकी शादी क्यों? ये भी हम बात करेंगे. मैं और आपने ये कहने जा रहे हैं, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आमना जी, जैकेट उतर चुकी है और स्लीव्स रोल हो चुकी है. आप क्या इनके लगा के और मजीद रिसर्च कर रही हैं?
मैंने कहा एक दफा मैं ट्रेलर देख लूं दोबारा। देख लिया आपने? देख लिया। अच्छा ट्रेलर की तरफ चलते हैं। मैं जो आपको बता रहा था प्रोमो, आपने उस दिन मेरे से पूछा कि लाहौर की मेरी हाईलाइट क्या है, सबसे उस वक्त मैंने नहीं ये बात की बिकॉज उस वक्त ये आ नहीं रहा था प्रोमो शो, अब आ चुका होगा। हम लोगों ने ये प्रोमो शूट किया लाहौर की सारी आइकॉनिक जगहों पे, मीनार ए पाकिस्तान गए, दिल्ली गए, चाय के पाए गए, इंटीरियर खाए भी नहीं, खाए नहीं थे। दिस वाज अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर के बाद 5 AM, 5 बजे से लेके कमाल ही है वैसे, मैं सोया नहीं पूरी रात, ये चीज पूरी रात में सोया नहीं, 5 बजे से लेके 8 बजे हमने 3 घंटों के अंदर अंदर ये शूट किया है। एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आमना, आई थिंक दैट हाई यू गेट व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, इट्स अनमैचेबल। मुझे लगता है कि हमें समथिंग हॉट पे कोई अब सीरीज वीरीज शुरू करनी चाहिए जिसका हम कॉन्टेंट जो है खुद क्रिएट करें। I want to use this platform to thank my entire team, especially my director Misba who was there with me. 3 ghante ke andar andar humne hamari puri team ne jitna crew hamare saath tha, express ka in house sara ye production tha, sivaye drone humne liya, this boy, young boy Ibrahim, 20-21 year old boy who's shot all these drone shots, and again the talent we speak of, 21 saal ka aur wo ACC bhi hai already, cute. To you know the talent that we have in this country, really, I mean, kabhi kabhi jab hum dekhte hain, experience karte hain cheezein, to andaaza hota hai ki yaar ke bahut acha kaam bhi ho raha hai, bahut acha kaam karne wale hain. I think vision hona chahiye, soch honi chahiye, aur phir agar aap dil se kare to bahut sari achhi cheezein ho jati hai. I hope aapko ye promo pasand aaya hoga, isme badi mehnat hai bade logon ki, 3 ghante ke andar andar ja ke in sari locations pe shoot karna, saath saath hum cheezein soch rahe the ki humne kya kehna hai kya nahi kehna, to bada maza aaya. तो इस बात करने का मकसद ये है कि एक्सप्रेस जो है वो उनकी एक सोच है कि यार कि हमने और कुछ नहीं, हमने सिर्फ कंटेंट को बेहतर बनाना है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आने वाली सीरीज है गुना है, या उससे पहले हमने एक थी लैला देखा, हम दोनों देखा, आगे हम गुना और गुरु देखेंगे। सो द आइडिया बिहाइंड द विजन इज के ओके वी नीड टू चेंज द स्क्रीन। जो गुना और गुरु दोनों एक्सप्रेस पे हैं, दोनों एक्सप्रेस, एक्सीलेंट। गुरु की हमने जैसे पहले टीजर्स की भी बात की, इसको मैं आपको प्रॉपर क्रेडिट्स के साथ बताना चाहता हूँ, इसको डायरेक्ट किया है जी बिलावल अब्बासी ने, और बिलावल अब्बासी जो है उन्होंने पहले कोई इस तरह का सीरीज या ड्रामा नहीं बनाया। उन्होंने आसिम अजहर की एक वीडियो थी कभी मैं कभी तुम, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। अच्छा। तो वहां से एक्सप्रेस ने, टीम एक्सप्रेस ने, हिना जो कि हमारी प्रोड्यूसर है टॉक टॉक शो की भी, उसे उन्होंने वो गेज किया कि यार वी वांट टू गेट दिस बॉय ऑन बोर्ड फॉर गुरु। अब ये भी मुझे इंटरेस्टिंग एक बात पता चली है कि बिलावल को लेके वो डिफरेंट डायरेक्टर्स के पास गए, पिच किया, तो दे द डायरेक्टर्स एंड सेड, डिफरेंट पीपल प्रोड्यूसर्स सेड के यार के नो, लाइक यू नो यंग डायरेक्टर अभी हम नहीं है। तो वजाहत एक्चुअली देन केम ऑन बोर्ड एंड ही सेड कि ऑफ कोर्स यू नो आई लव टू वर्क विद बिलावल, और बिलावल ने अपेरेंटली असिस्ट भी किया हुआ है वजाहत को, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। तो वजाहत एंड शाजिया देन टुक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ डिलीवर किया। अब जो हमने गुरु का ट्रेलर देखा है, जी क्या कहना चाहेंगे आप? यार गुरु का ट्रेलर इज माइंड बॉगलिंग। एक तो पहली बात तो ये कि अली रहमान खान हैज मूव्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, ये हम सब बातें कर चुके हैं पहले, हसन आपको नहीं याद? ट्रेलर नहीं था ना तब, ट्रेलर नहीं था। अली रहमान खान हैज मूव्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, जबरदस्त उन्होंने एक किरदार निभाया है लग रहा है ट्रेलर से। कहानी जो है वो बहुत चिलिंग सी लग रही है, बहुत रियलिटी से करीब है हमारे अनफॉर्चुनेटली। कि एक औरत है, उसका ओपनिंग सीन में आप देखते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट अबाउट टू डिलीवर, और उसका मियाँ आके उसको कह रहा है कि बेटा ना हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना बच्चे को छोड़ूंगा ना तुम्हें, एंड शी इज पेट्रीफाइड, एंड वी आर टू अज्यूम देन शी डज डिलीवर अ डॉटर एंड दे अबैंडन द चाइल्ड। और जब वो बच्चे को अबैंडन करते हैं तो वहाँ पे जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो उस बच्चे को adopt करती है, and they raise that child. So that is exactly the premise. हाँ, ये 26 episode का पूरा drama revolves around this only. अब वो बच्ची फिर बड़ी होगी during the course of the drama, और उसकी जो परवरिश हुई है वो ख्वाजा सिरा community ने की है, क्या set of challenges होंगे उसके, क्या impact होगा, और इस सारी चीज में जो अली का किरदार है गुरु, उसका क्या रोल है, and I'm told के अली की आप ट्रांजिशन भी देखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत से लोगों की देखेंगे, जो मेन कैरेक्टर्स हैं जो आप पोस्टर में भी नजर आ रहे हैं आपको, उन सब की देखेंगे। अब जो एक स्ट्राइकिंग चीज मुझे ट्रेलर देख के लगी, जो टीजर में इसका इतना नहीं था, जो कैमरा है इसका, जो स्क्रीन है
ऐसा लग रहा है कि कोई आप बड़ी हाई टेक कोई सीरीज को नेटफ्लिक्स टाइप देख रहे हैं. द कैमरा इज यू नो इट्स स्टनिंग द विजुअल्स दैट दैट देव देव शॉट एंड दैट देर एबल टू क्रिएट. और मुझे पता चला कि इन्होंने जाके एक्चुअल लोकेशन पे कोई सेट वोट नहीं इस्तेमाल हुए. लियारी में अंदर जाके जो इस तरह की पूरी जो जो ग्रिटी उन्होंने लोकेशन है उनको इस्तेमाल किया वो बात है. जहां तक कहानी की बात है क्योंकि ये टीजर में हमें ये बात नहीं पता थी जो प्रेमिस आपने की बिल्कुल यही प्रेमिस है. मेरी जो बात हुई टीम के साथ एक्सप्रेस की टीम से मैंने कहा यार क्या है क्योंकि यू नो आजकल एक वो भी कॉन्वर्सेशन है ट्रांसजेंडर राइट्स और उसके ऊपर बहुत ये हम सब बातें कर चुके हैं. ये कहां की हमने ट्रांसजेंडर वाली क्या पूरी हमने पूरी बात ही की. मुझे तो पता ही नहीं थी कि स्टोरी क्या है ट्रांसजेंडर है या उसमें ख्वाजा लोगों ने कहा कि जी असल क्यों नहीं ख्वाजा सरा है. वो नहीं वो नहीं वो नहीं जैसे एक जॉयलैंड के ऊपर तंकीद. हां वो तो इसमें नहीं वो उसका तो इसमें जो फोकस है ना वो इस बात के ऊपर कतई नहीं है कि कौन है क्या नहीं है. जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर नहीं ये है कि यार के एक कम्युनिटी है whoever they are, whatever they are, उनको एक बच्ची मिल गई और वो बच्ची उन्होंने पाली है. तो क्या जो जो जिसको हम कहते हैं मेल फीमेल बायोलॉजिकली जिन्होंने अपनी औलाद को अबैंडन कर दिया और एक थर्ड जेंडर ने उस बच्चे को किस तरह से पाला ये कहानी है. तो बड़ी वो जो ह्यूमैनिटेरियन यार आप एक पूरी पूरी कम्युनिटी को इरेज तो नहीं कर सकते ना. क्या करेंगे इरेज कर देंगे. But on human level, it's a very like इंसानियत की कहानी. Absolutely. इंसानियत की कहानी. तो वो बड़ी अच्छी बात है. Absolutely. तो looking forward to it. इसके बाद जी हमने पिछले हफ्ते देखे देखा ट्रेलर ही था गुनाह का जी जो कि 8 जून से शुरू होने जा रही है. ऐसा ही है. That is actually a series. वो 6 एपिसोड की सीरीज. ये नहीं है सीरीज. क्या? गुरु. अभी तो आपने खुद बताया ड्रामा सीरियल है 26 एपिसोड का. हाँ. वो 26 एपिसोड का गुरु ड्रामा सीरियल है. गुना जो है वो 6 एपिसोड की सीरीज. अच्छा मिनी सीरीज है. हाँ. अच्छा अच्छा ये मुझे नहीं पता था. हाँ. तो गुना जो है वो 6 एपिसोड की मिनी सीरीज. गुड गुड गुड. हाँ दैट्स गुड. और गुना बड़ी स्ट्राइकिंग लग रही है भाई. अदनान सर्वर की डायरेक्शन है पहली बात तो ये. और ऊपर से कास्ट जो है वो बम्बू है. कैन आई यूज द वर्ड बम्बू. हाँ बम्बू कास्ट है. मलक हयात खान जो है वो प्ले कर रहे हैं आपके सरमद खुसट. उसके साथ जुगन काजम है, सबा कमर है, राबिया भट्ट है. मेन तीन खवातीन वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन I'm presuming in a strong roles. और जो कहानी है कि जी मलिक हयात खान की बीवी भाग गई किसी के साथ वो मेरा हल जुगन है. इसका कॉन्सेप्ट हिना का था. हिना मान जो हमारी प्रोड्यूसर है मेरे शो की भी एक्सप्रेस की सारी चीजें कर रही हैं. तो हिना ने अदनान सर्वर से टाई अप किया फिर ये पूरी जो कंसेप्चुलाइज की. इसको लिखा है अली मोइन एंड टीम ने. लिखारी जो है अली मोइन भी हैं. वो भी सर जो बिछड़ गए रिसेंटली जो आया था उसके वो उनका राइटिंग का क्रेडिट था. फिर झूठी उन्होंने लिखा और भी काफी सारी चीजें. तो ये उन्होंने बहुत अच्छा नहीं लिखा है? चलें कोई नहीं. हाँ अब ये जो है मुझे बताया गया है कि ये बहुत ही वो सस्पेंसफुल मिस्ट्री थ्रिलर टाइप चीज है. तो इसकी अगर कोई भी चीज कही तो उसका मजा खराब हो जाएगा. स्टोरी आउट हो जाएगी. नहीं हम नहीं करना चाहते. तो मैं मजा नहीं खराब. हाँ अपने लिए भी नहीं करना. मैंने पूछा भी नहीं. तो मैं मुझे जब जैसे उसे कहा मैं भी कर सकती थी. ऐसा है ना क्योंकि हसन को ऐसा लग रहा है क्योंकि वो एक्सप्रेस टीवी के लिए अब एक प्रोग्राम क्या कर रहे हैं. उनको लग रहा है किसी और का कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है एक्सप्रेस टीवी के साथ. I could have called Sarmad, I could have called Adnan. You didn't, na? But I didn't because I don't want to spoil the drama. I mean, with extra details. मैं कोई ऐसे controversial चीज़ नहीं कि I needed clarity on. तो वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि जैसे हमने अभी वो जो आया था वहाँ जो दुरे का क्या नाम था उसका क्या था सीरीज का नाम वहाँ जो दुरे जुर्म जुर्म जैसे जुर्म के बारे में हमने आपको बताया we can't reveal anything. So इसी तरह इसके बारे में we can't reveal anything. We don't know anything to reveal. I do know. मुझे actually बताने लगे मैंने बोला अच्छा मुझे बताओ मैं I don't want to get my judgment clouded or you know the suspense revealed. I want to watch it. हाँ मैंने कहा मैं I'll watch it like any other person. Like a normal person. Like a normal viewer. I want to watch it. मुझे ना बताओ. ना बताओ. तो excited for this content. जी. अच्छा जहाँ पे अच्छा कंटेंट बनेगा. मैं आपको ये बता दूं कि कल शादी पे जब मैं गई शादी पे आई वाज नॉट कमिंग टू द शादी येट बट व्हेन आई गॉट देयर 11 o'clock तो कोई भी नहीं था. मैं अपनी तरह से बड़ा लेट गई तो सिर्फ वहाँ पे शाजिया और वजाहत थे. मासूम दो लोग मेरी तरह जो बैठे हुए थे. तो हमारी गपशप लगी. देव ऑल्सो वर्क्ड ऑन देयर इज ऑल्सो अनदर ड्रामा दैट विल बी कमिंग अप सून विद हदीका कियानी एंड खाकान शाहनवाज. उसका भी मैंने जो देखा क्योंकि हम ना अगर नहीं बनाएंगे तो देखो क्या होगा. फिर नहीं बनाएंगे तो फिर क्या होगा. देखेगा नहीं कोई. लोग कंप्लेन करते रहेंगे. अच्छा कॉन्टेंट बनाएंगे लोग देखेंगे. Anyway, Guna looks really good.
really really good coming out on the 8th of yeah, June yeah. Thursday ko 8 baje next week aur is hafte hame ye bhi pata chala hai ki neem jo hai uski date aur time announce ho gaya hai okay Monday ko 8 baje oh shukar hai ek drama jo neem Monday kaun sa tha hai neem kaun sa tha mavra aur ameer oh right right oh yeah okay on hum tv neem kaun sa tha on hum tv Haan. Oh fantastic Finally, we have something good to watch on Monday. Yeah. We hope it's good. We hope it's good. No, it looks really good. We hope it's really good. Yeah, yeah. So, Monday 8 baje aap Neem dekha karenge. Thursday 8 baje aap log ye dekha karenge. Ji, agle hafte se aap. Agle hafte se aap. Abhi zindagi mein behtri aane lagi hai. Hamari zindagi mein bhi behtri aayegi. Fir hum katayenge ek do drama. Nahi, hum nahi. Monday wale hamare waise. Ek adad to katayenge. Mujhe pyar hua sabko kata dete. Hai? Mujhe pyar hua. Khatam hone wala kata de meri taraf se yaar. But okay. Anyway. It's looking good. Content's looking good. आप लोग बताएं आप लोगों का क्या opinion है? Yes sir. आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी. अच्छा जी. अगला topic क्या था? आप किस पे आना चाहेंगे? हमने बात कर ली ड्रामों की. जी. आने वाले. हमने मेरे प्रोमो की बात कर ली. I'm sure आपको अच्छा लगा होगा. उसकी मजीद आप तो बताएंगे. मजीद आप तारीफें कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में. जी. और आमना जी क्या था? आप क्या बात करना चाहेंगे? शहबाज शाजी की शादी. शहबाज शाजी की शादी के बारे में. शहबाज शाजी की शादी के बारे में. तो शहबाज शाजी जो है एक फैशन फोटोग्राफर है. जी. और उनकी शादी थी इस वीकेंड. और मंडे को उन्होंने एक देसी नाइट रखी हुई थी. अच्छा. मेरा पहले ख्याल था कि वलीमा टाइप सीन होगा. हाँ. तो मैंने व्हाइट कपड़े निकाले. हाँ. जाके शादी चादर जो थी काम वाली वो बोरो की. हाँ. जब घर आई तो मैंने कार्ड देखा तो उसपे देसी नाइट लिखा हुआ था. हाँ. तो शहबाज से मेरी बात होने का नहीं कैजुअल अफेयर है कोई स्टेज वेज नहीं है इट्स लाइक डांस पार्टी टाइप सीन है. मैंने कहा अच्छा तो व्हाइट तो पहन के नहीं जा सकती. तो फिर मेरे पास एक और म्यूज का कुर्ता था ग्रीन रंग का ब्लिंगी सा वो मैं पहन के गई. मैं बड़ी खुश हुई और वहाँ लोगों से मुलाकात हुई और मैंने देखा और भी लोगों ने ग्रीन पहना हुआ था. तो मैंने कहा शायद थीम ग्रीन है. और आई थिंक एमन ने ग्रीन पहना हुआ था. एमन ने भी ग्रीन पहना हुआ था. फौजी अमान ने ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी. नहीं थीम ग्रीन नहीं थी. नहीं बट अच्छा था था बिकॉज शहबाज हैज वर्क्ड विद एवरी ऑल द सेलिब्रिटीज ओवर द इयर्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फैशन इंडस्ट्री वाज देयर extremely well turned out as usual mm. a lot of the television and film industry was there mm. Myra was there okay. and Sherry Amanavar I met Kubra I didn't meet Hani I met and yeah Aiman it's Aimanib Aimanib ne mujhe itana bhi mara ke yeah. hamare gharon mein khane pakte hain to ye khilana acha yaar acha theek hai Aimanib was in all in good faith to wo bhi tha Amna Ilyas thi Amna Ilyas ka drama chal raha hai theater play chal raha hai sabse in Karachi Unfortunately, मैं नहीं जा सकी. बंदिश 2 भी उनका चल रहा है जिसमें नजर नहीं आ रही. बंदिश 2 जा रही है जी बिल्कुल नहीं आ रही है नजर. कम तो अच्छा था मजे का था. वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट. मैंने सोचा फिर मैंने शहबाज से आज बात भी की कि यार शहबाज जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मुझे भी ऐसे एक डांस नाइट रखनी है. तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें जब होगी तो वी विल अरेंज इट फॉर यू. ठीक है जी. कबाब दो किस्मों के और खीर और सैलड और बड़ा कुछ था. चाय बड़ी जबरदस्त गुड सीन था. गुड सीन. अच्छा लोग काफी आपने वीडियोस देखी होंगी. मायरा वाज आल्सो ग्रूविंग टू द सॉन्ग्स एंड आई वाज डांसिंग इट. यू विल सी फैशन एनालाइज्ड इन फैशन फॉरनाइट. ओके विद ताबिश अगर आ जाए ताबिश ताबिश अगर आईफा से हर खबर पे नजर. हर खबर पे नजर जी. ठीक है फाइनली जी. टेक्सपो क्या है और क्या हुआ टेक्सपो में? जी टेक्सपो जो है वो TDAP हमारा एक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक गवर्नमेंट का इदारा है. उनका एक गारमेंट एंड लेदर फेयर होता है हर साल जिसपे ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ह्यूज है. टेक्सटाइल का भी ह्यूज तो नहीं हम चाहते हैं कि ह्यूज हमारे लिहाज से ह्यूज है. टेक्सटाइल एंड लेदर एक्सपोर्ट जो है वो ह्यूज है. नहीं है गुल अहमद के नंबर्स अगर आप देखें बड़े ब्रांड्स के बहुत ठीक ठाक इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स हमारे छोटे से मुल्क के लिए बहुत है. तो ये बड़ा मुल्क हमारा. एनीवे We digress. इनका ये एक रेगुलर फीचर है कि ये लोग करते हैं फेयर करते हैं एन एक्सपोर्ट फेयर जिसमें डेलीगेट्स और बायर्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे दुनिया में एक्सपोज होते हैं दुबई में गल्फ फूड होता है और चीजें होती हैं. अभी भी काफी मेजर इवेंट पे था बड़े इवेंट पे था लेकिन इस तरह की फैशन शो टाइप मेरा नहीं ख्याल हुआ. दिस वाज अ फोर्थ टेक्सपो शो. ठीक है ओवर द इयर्स ये भी ये लोग करते रहते हैं. बीच में कोविड की वजह से नहीं हुआ या इस वजह से
बट होता था पहले भी, तो अभी भी वही शो था, दो दे दो दिन दो दे दो दे दो दे का शो था, दो दे का, it was a two day show and there were 21 designers who participated. अच्छा, दो दिन में, जिसमें retail brands भी थे, कुछ leather brands भी थे. Did they get a lot of orders? Yeah, that is my question which I would ask them. Did they get any orders? You were there, right? No, इससे थोड़ी पता चलता है. आपके बायर जो है वो शो देखते हैं, फिर उनको इंक्वायरीज भेजते हैं, फिर ऑर्डर शीट्स उनको जाती हैं, फिर वो जब तक ऑर्डर्स प्लेस होंगे तो शायद एक दो हफ्ते लग जाएं. As the name suggests, T-Rap का काम है develop, ट्रेड को develop करना, हाँ. मुल्क में, तो ये बड़ा जरूरी है. तो मैं ये चाहूंगी जानना कि क्या ट्रेड डेवलप हुई, कि क्या हुआ इसे, ऑब्वियसली इस पे काफी, और ये जरूरी है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए भी खर्चा आपको, वैल्यू एडेड गुड्स है ना फैशन, तो इट्स अ हाई. ये आमना, मुझे आपकी इस बात से ये ख्याल आया कि अभी कुछ दिन पहले जब हम बात कर रहे थे कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने किया जी, बट आई एम श्योर दिस इज अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान कि यार कि इस तरह का इवेंट हो, आप अपनी जो आपकी फैशन है, हमारा जो फैशन है, पाकिस्तानी फैशन है, हमारे जो जिस तरह के कपड़े बनते हैं, डिजाइनर्स, देखिए आपके पाकिस्तान में डेनिम बहुत बनती है. हाँ, डेनिम बहुत, एक जमाने में सुना था कि ज़ेना मार्केट अलोन में 2000 पेयर्स ऑफ जीन्स हर हफ्ते बिकती हैं या हर दिन बिकती हैं. एनीवे द नंबर्स वो हाई. सो डेनिम आपकी बहुत एक्सपोर्ट होती है, आपकी टी शर्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं, आपकी, यू नो, सरप्राइजिंगली आई वाज इन पेरिस एट अ किचन शॉप बाइंग हर्ब्स फॉर मुर्तजा और मैंने ट्रफल उठाया, सी सॉल्ट विद ट्रफल, इट वाज मेड इन पाकिस्तान, माशाल्लाह. सो आपकी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, हाई वैल्यू एडेड गुड्स हो रही हैं, बट टेक्सटाइल भी है, स्पोर्ट्स वेयर है, लेदर गुड्स हैं, ये सब कुछ है. ये बात करने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि जो फैशन शो है ये ऐवी कोई चीज नहीं थी कि फैशन शो ये तो क्या है इनका, एंटरटेनमेंट. हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए रैंप पे छोटे छोटे कपड़े पहन के चल रहे हैं. देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट. इंटरनेशनली आपकी बहुत बड़ी एक डिमांड और मार्केट है पाकिस्तानी कपड़ों की, पाकिस्तानी फैशन की, और उसको केटर करने के लिए इवेंट हुआ था. प्रॉपर विजन एंड थॉट इन थियरी तो बिल्कुल सही है. यही थॉट है. अनफॉर्चुनेटली डिजाइनर्स सब इसको इतना सीरियसली नहीं लेते. क्यों? आई डोंट नो हसन. I think supply and demand जो है, supply chain जो है, वो बहुत मुश्किल है maintain करना पाकिस्तान में. अगर कपड़े वो बनाते हैं, collection बना लेते हैं, but if they get for example an order for 3000 tunics, where are they going to get that fabric from? So supply नहीं है, there's broken chains है सारी, industrial chains हैं आपकी, सब टूटी हुई हैं. So आपकी बिजली नहीं industry को मिल रही होती है, आपको gas नहीं मिल रही है आपकी industry को. Exactly, जैसे मैंने अपने review में भी कहा कि जो डेनिम कलेक्शन है, इट वॉज ब्यूटिफुल, अंदान परदेसी की, इट्स अ ब्यूटिफुल डेनिम, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, मगर जो आपका T-Rap का थीम था, वीविंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल नहीं है डेनिम. इट इज एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट फैब्रिक्स फॉर द एनवायरमेंट, बिकॉज एक तो कॉटन है तो उसमें पेस्टिसाइड्स और वो बहुत यूज होते हैं. दूसरी चीज ये है कि वाटर कंजम्पशन बहुत हाई है फॉर मेकिंग डेनिम, तो सस्टेनेबल फैब्रिक बिल्कुल नहीं है. But the collection was beautiful. So I think designers need to take it a bit more seriously for that link to establish. तो वो जरूरी चीज़ है. ये नहीं है कि बस दिखा दिए कपड़े और बस. जो भी दुकान में लाके जी दिखा दो. बहुत से लोगों ने भी किया कि जो हमारे जो भी बना हुआ है लाके दिखा दो. बहुत से लोगों ने मेहनत भी की. तो ठीक है. अच्छा, डिजाइनर्स क्योंकि यूजुअली इस तरह की एक्सपो या कोई चीज होती है तो एक पार्टिसिपेशन फी होती है. जी, मेरा नहीं ख्याल इसकी है कोई. आई डोंट नो. अच्छा. I don't think there is because मतलब anybody who's welcome to exhibit as long as they have a portfolio portfolio. I'm sure kuch submit hua hoga kuch portfolio, aur ye to sare bade naam the brands bhi the aapke, M Jaffer Jeez ho gaya ya Gul Ahmed ho gaya, ye aise naam the jo ki obviously export unki potential bahut high hai. theek hai, to bunyadi baat hai, bahut achhi cheez hai ya. show organized bahut acha tha, bahut acha organized hua tha. sabse achhi baat ye hai ki ab aaj tak Pakistan mein aisa hota hai ki fashion show 8 baje shuru hota hai aur 12 baje tak bhi jata hai. ji bilkul. that's not a trade show. ek mein kya ho. ha, that's not a trade show, that's not even a proper professional show. it is entertainment. But this started at 5 and ended at 6:30, which was perfect. Started pakka? Yeah, yeah. The time was 4, it started by 5. And by 6:37, it was done. And that was great because trade show needs to happen within working hours, not after hours. True. So ye bahut acha organized tha. The backdrop was beautiful. And where was it done? Expo? At the Expo. Okay. Bahut acha organized tha. कराची एक्सपो सेंटर जी था. जी अच्छा, फटा क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, फटा ये बीच में एक चीज हो गई, इतना अच्छा हो रहा है, मुल्क की इमेज पे काम कर रहे हैं हम जी, के एक्सपो एक्सपोर्ट हो जाता है यार. हुआ क्या, बड़ी बड़ी मॉडल्स आपकी बाहर के शोज में भी चीजें फेंकती हैं.
नायोमी कैंपबेल का इनफेमस रायट है बैक से, जो फोन उन्होंने फेंका, होता है, कोई आम बात हो जाता है, नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आम बात है, नहीं होना चाहिए. हुआ क्या कि सेकंड डे पे जो मेरी आई वाजंट देयर फॉर द फड्डा, आई डिडंट विटनेस इट, बट जो लोगों के जराए से जो पता चला वो ये था कि ये फड्डा आखिरी शो खत्म होने के डेढ़ दो घंटे बाद हुआ. अच्छा, रैपिंग अप. एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट स्पार्टन एथलेटिक्स का एक शो था, स्पोर्ट्स वेयर का, जिसपे ये दोनों मॉडल्स नेमली हसैन लेरी एंड निमरा जेकब ये दोनों वॉक कर रहे थे. तो दो वर्जन हैं अब इस स्टोरी की. चलो जी, हमेशा एक वर्जन जो है हसैन लेरी की वर्जन ये है कि जी निमरा वी बम्प्ड इनटू ईच अदर वेयर ऑन द रैंप व्हाइल ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग द शो एंड एवरीबॉडी सॉ इट, वी बम्प्ड इनटू ईच अदर, गलती से हमने टकराया. तो पीछे जाके निमरा स्टार्टेड शाउटिंग कि डोंट यू नो हाउ टू वॉक, और देख के चला करो. और फिर उनकी आपस में लड़ाई शुरू हुई, और उसमें निमरा ने स्टार्टेड मेकिंग अ वीडियो, और हसनैन ने कहा कि जी उसने जब मुझे रिकॉर्ड करना शुरू हुआ उस वक्त तक बहुत हीटेड हमारी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, गाली गलौज पे आ गई थी, दोनों दे रहे थे. तो मैंने उसे कहा डोंट मेक अ वीडियो बिकॉज ऑब्वियसली आई लुक बैड एंड यू नो अपनी तो नहीं वो ले रही, मेरी ले रही है. तो ऐसे डोंट मेक अ वीडियो तीन दफ़ा उनको मैंने कहा, उन्होंने नहीं सुना. तो मैंने जाके जब उनकी वीडियो छीनी तो हाथ पे लगा, फ़ोन गिरा, तो मैंने उनका फ़ोन रख लिया. एंड देन यू सॉ द वीडियो दैट केम आउट आफ्टर दैट. निमरा की वर्जन ये है कि ऐसा नहीं हुआ था, ही स्टार्टेड इट बैक स्टेज एंड ही सेड दैट ओ तुम्हें चलना नहीं आता, एंड फिर गाली गलौज शुरू हुई एंड ही पुट हिज हैंड्स ऑन मी एंड ही सेड कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा एंड आई डिडंट फील सेफ एंड आई फेल्ट वेरी अनसेफ बिहाइंड बैक स्टेज एंड इट गॉट वेरी अग्रेसिव एंड ही गॉट फ्यूरियस एंड आई फेल्ट वेरी अनसेफ और ये नहीं होना चाहिए था. एंड शी सेड आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट. टू हूम? To the police. Okay. Yeah. Has she reported? She did. What has happened after that? So far as I'm, according to my knowledge, nothing yet. The police have filed a complaint, but I don't know whether it's anything is material after that. Were there no CCTV cameras or other cameras? Sab kuch tha. CCTV camera bhi tha. Sabne kaha exactly yehi hua hai. Kya? Ki ye lade hain piche. But kisne shuru ki aur did Hasnain actually punch her or did he want to punch her? Or? No. He said ki I'm going to punch you. And Hasnain denies it. He says, "I didn't." No, because no. मैंने जो पोज़ देखा Hasnain ने deny कर दिया कि मेरे इस तरह की मैंने कोई चीज़ कोई बात नहीं की, लेकिन लोगों ने सुनी है. कुछ ने तो ये भी सुना है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा. कुछ ने कहा है, उसने कहा है मैं तुम्हें पंच करूँगा. But बात ये है कि we were there to witness it. अच्छा, इसमें आप आमना दो, जैसे आपने कहा तस्वीर के दो रुख हैं, इसमें भी दो बातें निकलती हैं. एक ये आप एज एन आउटसाइडर आप क्या महसूस, एज एन आउटसाइडर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप जब आपने मुझे पूरी बात बता दी, एक बात तो ये दो मॉडल्स का फड्डा आपस में, हाँ हाँ कैट फाइट है, ठीक है, दो मॉडल है, मेल फीमेल जेंडर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर के, दो लोग आपस में लड़े हैं रैंप के ऊपर, दो कॉलीग्स लड़ पड़ते हैं, एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ नॉट बीइंग वेरी ऑन गुड गुड टर्म्स. एक दो साल से इनके फड्डे चल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, नेचुरली होता है. आपके ऑफिस में कॉलीग्स होते हैं मेल फीमेल, आपस में फड्डे हो जाते हैं, यू डोंट नेसेसरली गेट अलोंग और लाइक एवरीवन इन योर लाइफ, बिल्कुल ठीक है, और आपके वर्क आप काम लड़ाइयां भी हो जाती हैं, गाली गलौज, गालियां भी, बदतमीजी भी हो जाती है. दूसरी बात ये आमना है कि एक मेल मॉडल ने अपनी पोजिशन ऑफ पावर का गलत इस्तेमाल किया है और एक एक फीमेल मॉडल को, और क्योंकि फीमेल मॉडल, एक तो मॉडल्स एज इट इज एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी में, वी कैन से दैट बिकॉज़ बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ी थ्राइविंग इंडस्ट्री है फैशन, उसमें मॉडल्स बहुत ज्यादा हैं और बड़ी उनकी कोई सोसाइटी में कदर वैल्यू या एजेंसी उनको बड़ा है, वो है कुछ भी नहीं है, बेचारे मेहनत करते हैं जो अपना काम है, काम से काम रखते हैं, और बहुत कम होता है कि हम मॉडल्स के बारे में कोई कंट्रोवर्सी भी सुने इस तरह की. ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग अ फीमेल मॉडल, तो वन कैन से कि यार कि उनकी कोई बहुत एजेंसी या उनके पास कोई बहुत पावर या इस तरह की अथॉरिटी तो नहीं होगी कि वो अपनी मन मान, वेरी वल्नरेबल उस सिनेरियो में जी. एक मेल मॉडल हसनैन हु इज वेरी पॉपुलर, आई थिंक ज्यादातर लोग जो फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक नहीं भी रखते, दे नो हु हसनैन इज, ही इज वन सेवरल अवार्ड्स, उन्होंने अगर इस तरह का मिसबिहेव किया या उन्होंने अगर इस तरह की बात की निमरा से, तो दैट मेरिट्स एक्स्ट्रा अटेंशन एंड एक्स्ट्रा डिस्कशन. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नो, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दैट. द थिंग इज कि एक कैट फाइट तो हो जाती है यार, आपकी बात बिल्कुल सही है. मैंने जब सुना पहला मैंने कहा यस कैट फाइट, फॉरगेट इट, डोंट टेक इट दैट सीरियसली. बट व्हेन आई स्पोक टू निमरा एंड आई स्पोक टू हसनैन एंड निमरा बोथ, व्हेन आई स्पोक टू निमरा आई रियलाइज दैट द गर्ल वाज रियली रैटल्ड. Now, it's not fair, it's not right for any woman to feel so unsafe in an environment. Bottom line ye hai ki bhale Hasnain ne kaha ya nahi kaha ya uski niyat kya thi kehne ki, if this woman is feeling unsafe,
then it needs to be addressed. Mm. That's the bottom line. Yeah. If she feels that she's threatened by this individual, it needs to be addressed. You know, जैसे आपने देखा है रेस्टोरेंट्स में आप कहीं जाएं तो बाहर लिखा होता है कि it's a no violence policy. Aggression and violence will not be tolerated. अगर खान हॉस्पिटल आप जाएं तो यही होगा कि be polite to the staff. It's a no tolerance policy है. वैसे ही शोज में भी होनी चाहिए. There needs to be a no tolerance policy that aggression, violence, altercations, catfights backstage are not allowed. मेरे ख्याल है कि जैसे ये चीज शुरू हुई थी उसी वक्त पीपल शुड हैव इंटरवीन्ड एंड सेड नॉट हियर टेक इट आउट एंड यू नो बट किसी ने इंटरवीन नहीं किया जो मैंने वीडियो देखी जो राहिल ऐसा लग नहीं रहा कि किसी ने इंटरवीन किया किसी ने नहीं मतलब कम लोग थे उन्होंने कम लोग थे जा चुके थे थोड़ा किया नहीं एक्चुअली कुछ लोगों ने जैसे स्नेहन को पकड़ा हुआ था बोला कि चलो पकड़ा हुआ था और लड़कियां जो थी निम्रा के साथ टू गिव हर वाटर के काम डाउन यू नो मॉडल्स वगैरह थे बट या बॉटम लाइन ये ऐसा होना नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे आमना एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मर्दों को चाहे वो पोजीशन ऑफ पावर में है या नहीं है तो मर्द हमेशा पोजीशन ऑफ पावर में होता है जो हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी पूरी दुनिया का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे हो ना हो मर्द हमेशा एक ज्यादा डोमिनेंट और एक पावरफुल जेंडर है गोज विदाउट सेइंग मर्दों को चाहिए कि वो अपने मैं ये नहीं कहता कि इसमें निम्रा ने गलत किया या किया फर्ज करें अगर किसी ने आपके साथ कोई बुरा या गलत कर भी दिया है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि आप उसको तरीके के साथ उससे डील करें। चाहिए था कि ऑर्गेनाइजर्स को बुलाते और कहते कि इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है मुझसे पूछे बगैर आप प्लीज वीडियो डिलीट कराएं। दैट्स इट। या जो अगर निम्रा ने वीडियो बनाई है वही वीडियो प्लेटफॉर्म सारा सोशल मीडिया स्नैन के डिस्पोजल पे भी है वो अपने इंस्टाग्राम पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते थे अपनी वीडियो खुद से जारी कर सकते थे खुद से बात कर सकते थे मीडिया आउटलेट्स को रीच आउट करते थे जर्नलिस्ट से बात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते थे तो ये करना कि यार कि उनका फोन जबरदस्ती छीन लेना या ऐसे कहना गुस्से में ही सही ठीक है इंसान इज नॉट थिंकिंग स्ट्रेट बंदा बोले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा असल में नहीं भी तोड़ा लेकिन ये कह देना भी आई थिंक इट्स नॉट अ गुड लुक और मर्दों को चाहिए कि यार थोड़ा सा कंट्रोल करें स्पेशली जब आप खवातीन के साथ डील कर रहे होते हैं फीमेल कॉलीग्स के साथ डील कर रहे होते हैं यू नीड टू लर्न टू लेट थिंग्स गो It's okay. अगर किसी ने आपसे बदतमीजी कर दी है, be a bigger person for once. You know, अगर ऐसा हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात हुई है, तो ठीक है, निम्रा ने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है जिस किसी के साथ है. We hope कि यार कि वो जो भी I hope they can sort it out. I hope the organizers can step in also at some point and जो भी है मसले को sort out कराएं. फिर जो अथॉरिटीज है relevant, उनको चाहिए कि हाँ इस बात का ख्याल रखें. Actually, problem ये है हसन के too many complaints are brushed under the rug and I'm not talking about this event. जी बिल्कुल. But होता ऐसे ही है कि brands के shoots होते हैं वहाँ पे कोई गड़बड़ होती है तो you know कहते हैं model trouble कर रही है अगली दफा यार इसको hire ना करना तो होता क्या है model चुप कर जाती है कि यार मैं complain करूँगी तो मुझे आइंदा काम नहीं मिलेगा या ये होता है कि यार model complain कर रही है you know इसके पैसे काट लो brush under the rug बात बाहर ना निकले ठीक है हो जाएगा ये ठीक है हो जाएगा वाला attitude ना कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती किसी चीज की नोबडी टेक्स अ कंप्लेंट सीरियसली कि अच्छा ये कंप्लेंट हुई है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए लेट्स कॉल द टू पार्टीज टॉक टू देम क्या प्रॉब्लम है एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ना खराब करें नहीं होना चाहिए इसी से रिलेटेड हमारे दोस्त राहिल राव ने एक पोस्ट लगाई जिसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन जरूर लेना चाहूंगा राहिल ने लिखा है एज अ जर्नलिस्ट विद ओवर टू डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस वन थिंग आई हैव ऑलवेज बीन टोल्ड बाय माय एडिटर्स एंड सीनियर्स इज दैट एज न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स एंड रिपोर्टर्स आवर पर्पस इज टू रिपोर्ट From breaking a story to its development to obtaining the first side of the news and then the other, it is our duty to publish it. However, it seems that this industry has forgotten this principle. Over the many years that have passed, I have noticed that people from both the fashion and entertainment fields are increasingly asking us to take down posts, despite us doing our job and reporting what has happened or based on what people post. This is highly unfair and unacceptable. Let Diva be Diva and not your Chacha ka platform. Let something also be something hot and not your Phupha ka platform. We always encourage everybody to use Diva as a platform to present all sides of stories. We're unbiased. We don't take sides and choose to remain so by allowing all voices to be heard. I sincerely request that I stop receiving calls, messages and requests to take down posts. And we're doing... As we are doing our job like everybody else and just the way it should be. अच्छा बात ये है कि हर platform की अपनी एक USP होती है. Diva जो है वो सब कुछ लगाता है. They put everything. They put political news भी लगाते हैं, philanthropic news, society, what's happening, fashion, entertainment, everything. They put anything that makes news, they put it up. हमारा platform जो है we're not so inflammatory. कि अगर कोई ऐसी चीज होगी हम avoid करेंगे कि मत लगाओ.
I think we are a bit more, we like to be a little more constructive and responsible in the content we're putting out. We don't put everything out, which is why we didn't put that video out. मगर राहिल बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि यार जो जिसका यूएसपी है जो वो कर रहा है उसको करने दें. फॉर एग्जाम्पल मलिहा पोस्टेड दैट वीडियो एंड आफ्टर एन आवर शी टुक इट डाउन. सो ऑब्वियसली समबडी हैड आस्क्ड हर टू टेक इट डाउन. हां मलिहा रहमान पे ही हुई जी, क्योंकि उन्होंने राहिल के पोस्ट पे जब किया तो लोगों ने कहा कि नहीं मैंने देखा ना. हाँ. मैंने उनकी पोस्ट पे वीडियो देखी थी. अच्छा. पहले और फिर मैंने जब वापस गई देखने तो नहीं थी. तो ऑब्वियसली शी टुक इट डाउन. तो अब टेक इट डाउन का ये था कि एक दफा आपने लगा दिया तो वायरल तो वो हो जाएगी, कोई स्क्रीनशॉट कर लेगा या व्हाटएवर. आप उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये वो तीर है जो निकला तो निकला. अगर आपने लगा दी दैट मींस दिस इज योर पर्सपेक्टिव. या यू एंडोर्स इट. आई डोंट थिंक इट मींस एंडोर्समेंट. इट मींस इट हैपेंड. एग्जैक्टली नॉट दैट यू हां यू हैव डिसाइडेड टू रिपोर्ट इट. वंस यू हैव डिसाइडेड टू रिपोर्ट इट देन स्टिक टू इट. एब्सोल्युटली इट्स अ रिपोर्ट. इट्स अ रिपोर्ट. मतलब अगर वही खबर मेरे पास आई तो मैंने कहा यार कैट फाइट है, लेट्स नॉट यू नो it'll just blow out of proportion, which is exactly what happened. माजी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि हम पे बहुत प्रेशर डाला गया. समथिंग हॉट क्यों नहीं पोस्ट कर रहा, ये क्यों नहीं पोस्ट कर रहा, क्यों. आपको भी पता है कुछ. मैं नाम अब नहीं जाना चाहता डिटेल्स में, बट ऐसा होता है कि यार ये क्यों नहीं आप पोस्ट कर रहे, वो क्यों नहीं आप पोस्ट कर रहे. भाई जो पोस्ट कर रहा है वो उनकी मर्जी है, उनकी एक विजन है अपने प्लेटफॉर्म को लेकर. कोई डिक्टेट थोड़ी करेगा. समथिंग हॉट का हमारा एक फर्क थोड़ा सा विजन है, थोड़ा एक एजेंडा है. बट हैविंग सेड दैट सारे प्लेटफॉर्म्स की जो बेसिक जिम्मेदारी है वो है रिपोर्ट करना. हाँ हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के अक्सर फीडबैक भी दे रहे होते हैं, हम रिव्यू भी कर रहे होते हैं, हम चीजें डिस्कस भी कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात है. एज फार एज आर पब्लिकेशन इज कंसर्न वो फिर ओपिनियन आ जाता है, मेरा ओपिनियन आ जाता है, आमना का ओपिनियन आ जाता है. अच्छा मैं आपको वापस सॉरी टीडैप पे जाते हुए बता रही हूँ कि देखिए प्रायोरिटीज होती हैं हर इवेंट की. टीडैप जैसे इवेंट पे प्रायोरिटी इज योर फ्रंट रो गेस्ट, योर बायर्स, योर गवर्नमेंट डेलीगेट्स, ऑल ऑफ दैट. हां ये हुए फड्डे फ्रंट रो वाले. नहीं नहीं कोई नहीं हुए फ्रंट रो वाले से, कोई फड्डे नहीं हुआ बिकॉज बड़ी अच्छी सीटिंग हुई हुई थी. मीडिया एक तरफ था, डेलीगेट्स और बायर्स एक तरफ थे, बड़ी नॉर्मल था. बट द थिंग इज दैट वंस अ लॉट ऑफ बायर्स लेफ्ट देयर वर पीपल इन द फ्रंट रो दैट डिडंट बिलोंग इन द फ्रंट रो. You know, and there are people, and this always happens, with, especially with government events, where there is government official presence. के officials तो चले जाते हैं, फिर उनके जो छोटे होते हैं ना सारे, वो उनके पास टिकट तो होते हैं, वो आके बैठ जाते हैं, और फिर बैठने का मकसद क्या होता है, वो बैठ के लड़कियों को देख रहे हैं फ्रंट रो में बैठ के. गलत है, बट इतना है कि उनको कोई उठा नहीं सकता बिकॉज देर देयर विद अ सिफारिश और विद समबडी पर्ची. उनको नहीं आप हिला सकते. तो जब आपके उनके लिए इतने रूल्स हैं तो मॉडल्स के लिए भी होने चाहिए यार ये नो टॉलरेंस है, ये फड्डे नहीं होने चाहिए. I'm just, I don't know whether it makes sense. हाँ, it does. अगर आप अपने लोगों के लिए वो कर सकते हैं exactly. कि यार के इनको प्रोटोकॉल दो थोड़ा सा यार ठीक हाँ. है तो फिर आपने बट वही बात है हसन यार, हमारे यहाँ ना मॉडल एजेंसीज हैं जो लुकआउट करेंगे जी इनकी ना बॉडीज हैं, कुछ भी नहीं है कि बॉडीज हैं, मॉडल्स की बॉडीज नहीं है. Organized, I mean, what exactly. Like authorities? There are no agencies. There's usually no body. Anywhere in the world, models sign up with agencies who look after their interests. नहीं, but हर एक industry की भी अपनी एक body होती है ना, जैसे act है तो चलो वो actors के लिए वो काम कर रही है, but ऐसा कोई वो भी नहीं है कि कोई body फिर body का और क्या होता है, कोई एक organization नहीं, authority नहीं है कि जो take up करे यार कि इस तरह industry में. अब fashion councils थी, हाँ, दो अदद क्या उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने फैशन वीक्स किए और फिर उनका ख्याल था उनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं बनती. तो ये उनको फैशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है, ये है होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए. सब कुछ ही जरा सा विशी वॉशी हुआ है ना आजकल. ये है जी सर. थैंक यू आपने बड़ी जबरदस्त हमें इंसाइट दी. मैं आपको इंसाइट देती हूं. नहीं ये ठीक है, ये आई थिंक लोगों को ये जानना जरूरी है एक इस इवेंट का पर्पस क्या था. आई थिंक ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि यार इवेंट का पर्पस क्या, तो पर्पस हमने आप तक पहुंचाया. दूसरा ये कि आम हालात में अगर देखा जाए बाहर की इंडस्ट्रीज में भी कॉलीग्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसमें कोई अनहोनी या नई बात नहीं है. आई एम श्योर आप लोग जो काम करते हैं ऑफिस में आपकी भी लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, बट हर लड़ाई एक सी नहीं होती. वो लड़ाई जिसमें अगर जो फरीक हैं वो मर्द और औरत हैं और मर्द जो है वो अपनी जेंडर का की पावर में या जेंडर की को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी और को स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लमेटिक मसला है और उसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए, जो कि उठ भी रही है. एंड मैं हसनैन से एक दो बार मिला हूँ, वेरी सॉफ्ट स्पोकन स्वीट पर्सन. तो मैं चाहूंगा कि जो भी मसला है वो इसको सुलझा लें जी. और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मसला ऐसा होता जो जो बड़ा हो, बढ़ना नहीं चाहिए. उससे मैं अगर उनसे कोई ऐसी चीज हुई आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज एंड यू शुड क्लोज द चैप्टर. सीम्स लाइक अ जेंटलमैन. गुस्से में भी अगर ये बात हुई तो उनको मेरा नहीं ख्याल करनी चाहिए थी. फोन छीनना तो बहुत गलत, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी आप छीन जी बिल्कुल.
जो भी प्रॉपर तरीके का रहा है वो होना चाहिए था. इफ ही वॉज इंडीड रॉन्ग्ड, बट इफ ही वॉजंट रॉन्ग्ड और ये उनकी तरफ से सारा कुछ हुआ है तो भी ऑब्वियसली जो भी अथॉरिटीज एंड एलिमेंट चाहिए कि उनको करें. निम्रा की तरफ हमारी our love goes out to her and नहीं होना चाहिए था जो भी उनके साथ हुआ. वही बात है हसन, that no woman should feel unsafe. No woman should feel unsafe. Unsafe in a working environment. It's just unfair. और ये मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो खवातीन है, हमारी जो सोसाइटी में, सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पे भी जो भी खवातीन है उनको यार you feel, make them feel safe. Yeah, just be kind to each other. Protect them, polite. Protect them. कितने exactly. आपके रोज अखबार खोलो तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है यार. ठीक है यार, थोड़ा सा रोल प्ले करें. जो आपके वहां पे और लोग थे उनको भी चाहिए था यार कि निम्रा को they should have made her feel protected. Yeah. That's important. Yeah. On that note, फातिनोजात, मैं अपना कोट वापस पहनूंगा और मैं जा रहा हूँ नस्क के इवेंट पे जिसकी वीडियो इंशाल्लाह होपफुली आप लोग देखेंगे. भाई तुम लोगों में माइक वाइक है नहीं, हैंड माइक है? चलो ठीक है, फातिनोजात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.